हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू मनीषा रानी व्लॉग्स तो आज मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मैं काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि आज है मेरा पेपर तो एक तो मैं इतना जल्दी उठी ऊपर से बारिश हो रहा है तो टेंशन भी हो रहा था पता नहीं कैसे जाऊंगी भीगते भागते तो यहाँ पे मैंने अपना सब कुछ सेट कर लिया था मतलब तो कि एग्ज़ाम के लिए जो सामान वगैरह लेके जाना था फिर जाती हूँ भगवान जी का आशीर्वाद लेने क्योंकि ये सबसे ज़रूरी काम है और भगवान जी पे विश्वास रखो ना तो ज़िंदगी में बहुत कुछ सही भी हो जाता है समय के साथ तो या मैं यहाँ पे आ गई थी एग्जाम देने और आप लोग अभी देख सकते हो बारिश बस थोड़ी देर के लिए छोड़ा था बट कंटिन्यूअसली ना एकदम थोड़े थोड़े स्पीड में बारिश हो ही रहा था और मेरा था पेपर वो भी ऑलमोस्ट ना 2.5 पॉइंट आवर्स का मतलब ढाई घंटे का पेपर खत्म होने वाला था मेरा सो so, या yeah, मैं आ चुकी हूँ अपना पेपर देखिए एकदम खुश होते हुए मुझे तो लगा कि चलो यार बारिश तो अब छूट गया आराम से घर जाएंगे बट मेरे साथ ना सीन हो गया जैसे ही मैं आगे बढ़ी थोड़ी दूर सेंटर से आगे निकली थी इतना तेज़ तेज़ जोर से ना बारिश होने लग गया मुझे तो लगा ले अब तो मैं फंस जाऊँ क्योंकि मैं ऑलरेडी मैंने सुबह से बस चाय पी आई थी कुछ खाया नहीं था और इतनी बारिश में तो मुझे कुछ खाने पीने का मिलेगा नहीं सो so, यह yeah, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकी थी उसके बाद बारिश में भीगते हुए घर आई थी और इतना ज़्यादा भीग गई थी ना मुझसे चला नहीं जा रहा था मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए थे बट क्या कर सकते हैं भूख भी तो बहुत तेज तेज लगा था सो so, यह yeah, मैं यहाँ पे अपने घर आई थी फिर कपड़ा चेंज करने के बाद मैंने पिया था गर्मा गर्म चाय क्योंकि इतना भीगने के बाद कुछ तो गर्म खाना पीना ज़रूरी होता है और आज ना मम्मा मेरे लिए छोले चावल बनाई थी तो मुझे तो बहुत मज़ा आया चलो बारिश में भिंगी चाय भी मिला और अब गर्मा गर्म छोले चावल खाऊंगी वो भी अनियन के साथ सो so, या yeah, इसको मैं अपना ब्रेकफास्ट बोलूँ या लंच आज मुझे खाने को यही मिला था क्योंकि मैं काफ़ी लेट से घर आई थी तो सो so, अभी मैं टेस्टी टेस्टी सा छोले चावल खाने वाली हूँ जिसको खा के मुझे बहुत मज़ा आया था क्योंकि इतनी बारिश में भीग के आने के बाद मैं ये सब खा रही थी तो बहुत सुकून महसूस हो रहा था तो इसको खाने के बाद मैं करती हूँ आराम और शाम को बाहर आती हूँ तो देखती हूँ ये गिल्लू मस्ती कर रहा था चिड़िया अपना बदमाशी कर रही थी घोसले में और ये गिल्लू तो मेरे पास आके बैठा हुआ था सो so, उसके बाद हो जाता है शाम तो मम्मा बना के ले आई थी गर्मा गर्म चाय और जब मैं घर पे होती हूँ ना तो मेरा इतना ज़्यादा आराम करने को मन करता है कि पूछो मत बट क्या कर सकते हैं हमेशा सो तो नहीं सकते हैं तो मैं अभी चाय के साथ भुजिया खाते हुए थोड़ी सी आराम फरमा रही थी छत पर बाहर बैठ के सो so, सोया yeah, आराम फरमाने के बाद मैंने किया था थोड़ा सा स्टडी उसके बाद फिर डिनर में मम्मी बनाई थी एक करी उसके साथ मैंने खाया था रोटी क्योंकि दिन में ही चावल खा लिया था और मुझे ना अंडा का येलो वाला पार्ट बहुत टेस्ट लगता है आप सबको कैसा लगता है खाने में अगर पसंद हो तो बताना जरूर और वीडियो पसंद आए तो लाइक्स कमेंट एंड शेयर कर देना